अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। तो आज की जो वीडियो है ना, इस पे मैं आपको एक जो टून करेक्टर होता है उसका हेड बनाना जो है ना वो मैं, ठीक हो गया। हमने सबसे पहले एक ट्यूब ले लेते हैं, हार्ट दबा के मैं इसको घुमा रहा हूँ, मैं जो भी की प्रेस करूंगा अब आपको नजर आएगी। ठीक हो गया। अब देखें, मैंने इसको ऐड मॉडिफायर में आता है सब डिवीजन सरफेस वो लिया और यहां से टू एंटर कर दिया। इस पर रेंज नजर आता है, एडिट में जाओ तो वही बॉक्स है, क्योंकि ये देखें बॉक्स ही है। अभी हमने ये अप्लाई नहीं किया। ओके, कंट्रोल आर दबाएं, एडिट मोड में एक इसके अंदर लूप कट लग गया। टैब दबा के एडिट से बाहर आए और इसको आपने अप्लाई कर देना, SZ SXT SY SZ बने। इसके बाद आपने एक और लेना है इसको टू, लेकिन इसको अप्लाई नहीं करना। लेकिन जब एडिट में जाए तो ये देखिए, ये बार लेने आती है या अप्लाई करना होगा। हम अप्लाई तो नहीं करेंगे वरना वजन ही हो जाएगा मैच। तो हमने ये इस जगह क्लिक कर देना है, ये देखिए बिल्कुल साथ जुड़ गया। अब हमने इसकी थोड़ी सी सिंपल सी मॉडलिंग करनी है। मॉडलिंग के दो तरीके हैं, एक तो आप एडिट में चले जाओ, कोई एक वर्टेक्स पकड़ पकड़ के उस हिसाब से कर लो। लेकिन आगे क्लप्ट के हिसाब से ऊपर जाएं, क्लप्ट मोड में जाएं और जी प्रेस करें, ही से यात्रा ग्रेब टूल। मेरा मैं एक दोस्त कमेंट्स में दो, वो कह रहे थे कि टूल का नाम जो है मेंशन किया करो। ही से भाई ग्रेब आता है, एफ दबा के छोड़ देना और माउस को कोई बटन दबाए बगैर दाएं से बाएं जब हम ले जाते हैं तो ये बड़ा छोटा होता है। ही दबाएंगे आप इसको ऊपर, वो एक्स मिरर ऑन कर लें, बंद दबाएं और फ्रंट व्यू में इसको थोड़ा सा, इसे इसको भी थोड़ा सा पीछे से गर्दन को ऊपर उठा दे। बंद दबाएं, शिफ्ट एस, शेड स्मूथ, सॉरी शेड स्मूथ कह रहा हूं, स्मूथ। ये क्या करता है, इसकी यहां से पावर कम कर लें स्ट्रेंथ ऊपर से और ये उसको स्मूथ करता है। जो भी हमने काम किया है ना उसमें मलामत लाता है तो ये भी काम आता है। आप रख के दबा के चला सकते हैं। और आज मैं ग्राफिक टैबलेट से काम नहीं कर रहा, माउस से करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोग भी कोई बहाना ना बना सको, वो जी हमसे कंट्रोल नहीं हो रहा है। ओके हो गया। जबकि स्क्रिप्टिंग होती है उसके लिए, देखो प्रेशर सेंसिटिव। अच्छा यार, अब आगे बढ़ते हैं हम। आज घर सब पर नंबर ले गई, उन्होंने स्पेशल क्लास ली और वह जो है लिफ्ट नहीं करा रहे, ऐसा ना करो। अब देखते हैं इसका माउथ बनाना है। मैं कुछ भी नहीं, थोड़ा बहुत और डाल सकता था। मैंने माउथ बनाने के लिए फेस मोड में गया, ये मैंने दो सेलेक्ट किए, थ्री दबाया, एक्सरे मोड में गया, ई दबाया और इनको अंदर को ले गया। कुछ लोग यहाँ से वो काट देते हैं फिर जोड़ते हैं, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। अब आप एज मोड में चले जाइए, देखिए वर्टेक्स एज एंड फेस तीन चीजें, एज पकड़े, कंट्रोल दबा के सारा एज सेलेक्ट कर लें, कंट्रोल बी प्रेस करें तो ये और थोड़ा सा अच्छा हो गया। इसको पकड़े, जी दबाएं,
थोड़ा सा नीचे, इसको पकड़े जी जी, बल्कि ओ दबा लिया करें और यहाँ जाके कनेक्टेड ओनली फिर पर क्लिक करने, और यहाँ ये बड़ी गुलाई में जाता है। जब जी दबाएंगे और स्क्रॉल करेंगे तो ये दायरा बड़ा छोटा हो जाता है, और ऊपर नीचे लाना आसान हो जाता है, ना सिर्फ ये हो बल्कि दाएं बाएं के पेज को पकड़ लेते। अब इसके बाद हम फिर एडिट में गए, ये देख लें ये काम दे रहा है, इसी की वजह से ये बड़े वर्टेक्स नजर आ रहे हैं काम करने के लिए। डॉट से हमने इसको पकड़ा, कंट्रोल शिफ्ट बी, ये तब काम करेगा। कब काम करेगा? तब काम करेगा जब मेरी जीरो वीडियो की बताई गई सेटिंग आप कर लोगे। कंट्रोल शिफ्ट बी फिर दबाएं, ई तो फिर क्लिक कर लें, ई दबाएं, ई दबाएं, तो थोड़ी सी रोटेशन, एस ई आर अपने कॉलिंग टच कर दें, ठीक हो गया। एडिट से हम बाहर चले गए, ऑब्जेक्ट मोड में आ गए, शेड स्मूथ कर लिया, कार्टून फ्री दबाएं, थोड़ी सी नाक ज्यादा लंबी होगी कोई मसला नहीं, यहां भी आप कर सकते। अरे ये टून करेक्टर कहलाते हैं गलवन, क्योंकि अब ये थोड़ा सा भद्दा सा लग रहा है, इसमें ना हम जरा कोई कलर दे लें इसके अंदर। अब आंखें बनानी तो एडिट में चले जाएं, ये पकड़े और ये पकड़े, ये पकड़े फेस और ये पकड़े, फिर दबाएं जी दबा के इसको अंदर को लीजिए। ओके हो गया। सबसे पहले हम आंखें बना लें, शिफ्ट ए प्रेस करें, यूवी स्फीयर लें, जी जी आर एक्स वन दबा के फ्रंट व्यू में हूं, आर एक्स 90 जो की दबाता हूं, ये ब्लैक नजर आ रही होती। मैं चले जाएं एडिट में, जाने के बाद फेस में जाएं, दरमियान वाला फेस सेलेक्ट करें, यहां जाएं, न्यू करें, असाइन करें, फिर प्लस, फिर न्यू, फिर असाइन, दोबारा की बारी आपने उसको ब्लैक करना है। आई बनाने के लिए, आई बनाने के लिए आपने मेटालिक जो इसको बढ़ाना है और रफनेस को कम करना है। रिजल्ट आपके सामने, राइट क्लिक करें, शेड स्मूथ, एस दबाएं और ये छोटी होगी, ई जी ई वाई वन ई, यहाँ ले जाएं एस, अभी बहुत कुछ होना है। ये चाबी वाली जगह पर क्लिक करें और यहां से ले मिरर, ये उठाया आई ड्रॉपर, और पहले आई सेलेक्ट हो, फिर यहाँ क्लिक कर दें, दूसरी आई बन गई, इसको इधर ले जाओगे तो वो भी वहां चली जाए। अब ये आईज जो है ना बन गई है, आर दबाएं तो ये आईज आसा नहीं घूम रही, पहले आई पकड़े, और यहां चले जाएं, यहां एक श्रिंक रैप है उससे क्लिक कर दें, और यहां जाके टारगेट नॉर्मल, याद रहे एक चाबी वाली जगह पर श्रिंक रैप है, वो बिल्कुल इसको चिपका देगा इसके साथ, यानी प्रेस कर देगा, और ये श्रिंक रैप जो यहां से आता है ना, ये पढ़ ठीक है, तो यहां से आता है ऑब्जेक्ट कॉन्स्टेंट प्रॉपर्टी से।
ये हमने आई से एक को घुमाएंगे तो दोनों घूमेंगी, के बाद में इनको हम अलहदा करते हैं। जो भाई तेज हो कि ये जल्दी जल्दी करो, तो उनके लिए वैसे भी मुकम्मल ट्यूटोरियल इसका मौजूद है। अब थ्री दबाएं, अभी आपने इसके कुछ बालों वगैरह का करना है, रफ रफ जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। आप ये इतने सेलेक्ट करें, इन बॉडी सेलेक्ट करें, तो हो गया शिफ्ट डी हेड पर अटक गए, और इसको पी एंटर, क्या होगा कि ये एक सिलेक्शन बन चुकी है। अब जाएं इसको यहाँ जाके माइनस करें, उसका कलर वाइट हो गया, प्लस करें, न्यू करें, यहाँ जाके इसको काला रंग दे दें। इसको मोटा करना है, थिकनेस बढ़ानी, तो चाबी वाली जगह पर चले जाएं, नीचे चले जाएं, मॉडिफाई शिफ्ट दबा के थिकनेस राइट जाने ले जाएंगे तो इधर, लेफ्ट ले जाएंगे तो इधर। बहरहाल ये मोटे मोटे जो बाल हैं वो तो ओके, ए जी सी तो अभी यहाँ। अब इसके टीथ बनाने, ए दबाएं, एच दबाएं, ये गैप, शिफ्ट ए दबाएं और क्यूब ले मेरे भाई, एस सी एस एक्स 7 दबाएं, एस वाई, और ये इसके बन गए दांत, 1 SZ। यहां जाएं मॉडिफायर प्रॉपर्टीज में, सबसे पहले सब डिवीजन सरफेस, यहां 2 करें, एंटर दबाएं, कंट्रोल आर करें, दो लूप कट आ गए, एस एक्स इधर ले जाएं, 3 दबाएं मेरे भाई, कंट्रोल आर करें, एक लूप कट लें, इसको नीचे ले जाएं। अब ऊपर वाले डॉट के वर्टेक्स सेलेक्ट कर लें, एस वाई ओके, ताकि दांत बकायदा नजर आए। अब देखें कंट्रोल आर, 3 या 5 ले लें, क्योंकि 7 दबा के हमने एडिट में रहते हुए ही दबाना है, वो दबा के सेलेक्ट करें, जी दबाएं, जी पाए, तो पकड़े मिरर इसका भी ऑन कर लें, आर दबाएं, ये खत्म करें, वायर फ्रेम में चले जाएं, अगर नहीं काबू आते तो। अटैच थ्री थ्री फोर ये दांत एस इजी ओके, 1 में शिफ्ट डी सी आर 180 यानी 180 टाइप है, जी सी वायर फ्रेम में चले जाएं, आर दबाएं, आपको खुद पता चल रहा होगा ये यहाँ दांत जो है ना कट जाए, सही नहीं है, ओके करें, और ये मेरे भाई बन गए ओके, ये करेक्टर बन गए। अब जो अगली वीडियो है, हाँ इसकी टंग रहेगी।
यूवी स्फीयर ले रहे हैं, एस सी एस एक्स टी वाई एस एस एक्स इजी एस एक्स जबान, इसको सही बात है कि जबान जैसा कलर देना आपने। तो वाई तो वो भी चलिए ओके। किसी भी किस्म का आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है ना। अभी इसके कान बनाने शिफ्ट ए प्रेस करें, ठीक है, और ये पकड़ लें एस वाई एक्स, ये आ गया वन एक्स लेफ्ट में चले जाए। कंट्रोल जे, तो ये उसके कान बन गए। और ये कान ये बरीकी का जो स्क्रिप्टिंग का काम है वो माउस से नहीं होना, ये ध्यान में रखना। इस तरह का हल्का फुल्का लाइट सा वो ना कर सकते हो बहुत ज़्यादा डिटेल के लिए। आज मैंने ना ग्राफिक टेबलेट जानबूझ के साइड पर रखी, माउस से काम कर रहा हूँ कि कहीं ये ना हो कि मैं आपको डांटू आप लोगों से ये हो क्यों नहीं रहा। इस लेवल का ये हो जाता है। सबूत कर रहा हूँ भाई, शिफ्ट एस से की भी नीचे लगा दे तो वहां से देख लिया करो, अगर मैं बताना भी भूल जाऊं। अब मेरे भाई एप की मैं पहले सबक में समझा चुका हूँ किस तरह बनाते हैं, लेकिन आज सबक तो थोड़ा सा चलो लंबा हो ही गया है, लेकिन इसकी बार बार प्रैक्टिस करना, दो तीन दफा वीडियो देखना। देखे एक चीज होती है, मैंने ना देखे जो है ना इनको उसके साथ मतलब कि मैंने ना जोड़ना है ओके। शेप की बनानी, यहाँ चले गए शेप की, पहले बॉडी की बनानी, ये पकड़ा और इसको पहले मुंह बंद रहना चाहिए, ठीक है। ये वर्टेक्स ले लें, बंद करते हैं वो, और एक्स मिरर ऑन है दोनों की तरफ से हो रहा है, वो आप दबा लें। और ये जो शेप की होती है ना, इसको आपने अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो आपकी नीड्स है उस हिसाब से आपने इसको जी जी करके ऊपर नीचे, क्योंकि ऊपर आपने एक्स मिरर ऑन किया हुआ है, इसलिए एक तरफ से जितना खींचता हूँ लेफ्ट जानब से भी उतना ही मुँह बन जाता है। तो मुँह को ओपन कर लेना है जितना कर सके, अच्छा लगे तो। अब देखते हैं, ठीक है, फिर और ये और भी आप इसको ये पकड़ के यहां जाके जी ऐसा और भी नीचे
जा सकते हो जहां वो बात कर रहा है, ये पकड़ें जी। अभी वो वाला हिस्सा छोड़ दे, इसमें जाएं, शिफ्ट एच दबाएं, आप एडिट में जाएं तो ये खाली भू आपको मिल जाएगा। यहाँ आपने ये वर्टेक्स पकड़ना है, यहाँ भी ऐसे, फिर ऊपर से शिफ्ट एच से क्या होता है, ये चीज रहती सिलेक्शन है, बाकी चली जाती है अल्ट एच से वापसी। अब देखें तो ये चल रहा है, ठीक है। मैं जो बात कर रहा था वो ये थी कि यहां तक तो करते हैं लोग, लेकिन इसके बाद ये दांतों को इसके साथ जोड़ना कि वो भी इसके साथ वर्क करें। मेरे भाई वो इसके साथ वर्क तो करने होते हैं, उसके लिए दो ऑप्शन है, सिर्फ दो। पीसी की भी वीडियो देख लेना, और ये डेट याद रखना मैंने किस डेट को बनाई है। या तो वो वेट पेंट से करते हैं, ओके, और वो भी अलग फड्डा कहीं गड़बड़ करता है, या फिर ड्राइवर लगाते हैं, दोनों के ड्राइवर, दोनों को एनिमेशन दे के ड्राइवर जोड़ते हैं, ठीक है। तो वो भी वहां भी एक छोटी सी मिस्टेक हो जाए, जाके एड ड्राइवर समझ आ रही हूँ, इतना बड़ा वो झगंटा खोल देता है। खैर वो एक बेसिक जो लेवल के स्टूडेंट क्या है, थोड़े से आगे लेवल के उनके लिए मुश्किल होती है। तो मैंने एक तरीका निकाला, आप देखना कैसे करते हैं। ऑब्जेक्ट में चला गया मैं, वायर फ्रेम में चला गया, पहले मैंने दांत पकड़े, फिर मैंने हेड पकड़ा, कंट्रोल जे वाइन, पहले नीचे वाले दांत, फिर हेड शिफ्ट दबा के कंट्रोल जे वाइन, पहले ये वन यूनिट और कंट्रोल जे वाइन। अब अगर मैं जाता हूं एडिट मोड में, आप देखें दांतों का जो कलर है वो भी बदल चुका। तो दांतों का एक वर्टेक्स सेलेक्ट करें, एल प्रेस करें, यहाँ जाके सबसे पहले प्लस करें, न्यू करें, असाइन करें, वाइट दांत करें, जी जी, दांतों को आप नीचे ले जाएं, वायर फ्रेम में आए, थ्री में आए, नीचे चले गए, ओके, ऊपर वाले को पकड़ें, एल करें, एल से सेलेक्ट हो जाएगा, बाहर से कंट्रोल जे करके आना है। ये मेरी जाती तकनीक है, क्योंकि मैं ब्लेंड शेप माया में इस तरह से बनाता था, जी जी, थ्री दबाएं, वायर फ्रेम में जाएं, और ये ऊपर चले गए, सफेद रंग की और ऊपर ले गए, और मैंने कुछ भी नहीं किया। ये जो कहेंगे इसको एल सी, थ्री दबाएं, चलो जी चलते हैं बाहर। अब मेरे भाइयों आप खुद को सेलेक्ट करें, शेप की में आए और यहां इससे बातें कराएं, आप खुद देख लें दांत उसके साथ ही ओपन हो रहे हैं और नीचे तक बिल्कुल जबरदस्त वर्क कर रहे हैं। किसी ड्राइवर की जरूरत नहीं, कोई मैंने ड्राइवर नहीं लगाया, और हर चीज जोड़ दिए, बाहर कंट्रोल जे किया, अंदर जाके मैंने चलाकी से वहां उसको सेपरेट करके कलर लॉक कर दिए, और बाहर वो ज्वाइन नहीं रहा, अंदर जाके उसका खाता खत्म हो गया। नेक्स्ट टाइम जो मैं क्लास बनाऊंगा वो मजीद शेप की से रिलेटेड भी होगी, और प्लस इस तरह अगर हम इसको वॉइस देंगे तो ये कहेगा अरे बाबा क्या चाहते हो, खाना खाना मैंने जो भी, ठीक है मेरे भाई। तो ये समझाने के लिए मैंने मुँह नीचे को बनना जाता है, ठीक है। बाकी माउथ आपने जिस तरह इसको नाराज करना है, जो भी वो आपका माइंड है, और ये आईज की जो रिग है वो बनानी सिखाऊंगा, ताकि आंखें दाएं बाएं मोड़ मोड़ के देखे और आपके करैक्टर थोड़े से आम लिहाज से अच्छे हों। आगे गर्दन है वो थोड़ी सी निकालनी है, वो निकाल लेंगे, में चले जाएंगे,
यहाँ से वहां से ए और तो भाई वाला क्या हुआ है? गर्दन वहां जाके हम शेप की में गर्दन निकाल बैठे, तो ये गलती हुई। यहां निकालनी थी एस क्रिएट क्रिएट एल और ये लो पोली करेक्टर है। लो पोली उसको कहते हैं जिसमें मैश भी अपना काम होता है। अभी आईब्रू बननी है, पलकें बननी है, तो इंशाल्लाह ये आप लोगों को मजा देगा। दुआओं में याद रखिए, मैं इसी हफ्ते के अंदर जो मेरी ब्रदर्स क्लास ले रहे हैं, मैंने उनके चैनल भी बनाने और मुझे जो भरपूर रिस्पॉन्स दे रहे हैं उनकी पूरी हौसला अफजाई भी करनी इंशाल्लाह, और उनको मैंने साथ लेके चलना है। हाफिज़, और कमेंट और शेयर कर दिया करो, इससे कुछ नहीं जाता।